जय हिंद सर। दोस्तों आप सभी का माय चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स की आंसर की के बारे में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो आपका टेट का एग्ज़ाम है वो आज ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनका सोशल स्टडी का यहाँ पे पार्ट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, टुकान क्या है? तो मैं आपको बता दूं, टुकान एक पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कितने वर्ष के बाद भंग की जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अलीबंधु का जो संबंध है वो किससे है? तो मैं आपको बता दूं, अलीबंधु का जो संबंध है वो खिलाफत आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का जो नारा है वो हिटलर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इज़ राइट। आगे दोस्तों, भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर विल बी लॉर्ड लिट्टन। आगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? राइट आंसर है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित से कौन बुंगयाल से संदर्भित करता है? तो मैं आपको बता दूं, ये ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन तय करता है कि कौन विधेयक है या नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, राइट आंसर रहेगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चंदेल। जो कंदरिया महादेव मंदिर है उसका निर्माण कौन से राजवंश के राजा द्वारा करवाया गया था? राइट आंसर है चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर है प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के किस भाग को भारतीय संविधान का मेगा कॉर्टा कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, राइट आंसर रहेगा भाग 3। आगे दोस्तों क्वेश्चन है, अरावली और विंध्यम पर्वतमाला कौन से पठार पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, राइट आंसर है मालवा पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, संवर्ती सूची का विचार कौन से देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटे आकार का ग्रह कौन सा है? बुध। आगे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो यहाँ पर आपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, मैक्सिमम को ये जो आंसर है वो पता होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 है, राइट आंसर रहेगा ब्रिटेन। आगे दोस्तों, रीला के लेखक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, इब्न बतूता इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, इलाहाबाद के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर है लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है? राइट आंसर है सिक्किम। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80, भारत का लघु संविधान कौन से संशोधन को कहा जाता है? राइट आंसर है 42nd, ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों, भारत के कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? राइट आंसर है 9। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कब कहाँ पे शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। आगे दोस्तों, ग्रिड जो एक नेटवर्क है उसका ये जो मीनिंग है वो क्या है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो बिल्कुल ही सही रहेगा। आगे दोस्तों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका डैश के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूँ, पनामा के साथ ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है वो जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो में। दीन इलाही की स्थापना कब हुई? 1582। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 है, राइट आंसर रहेगा 15। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 है, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बुद्ध चरित्र। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 है, इसका राइट आंसर रहेगा रूसो। 90 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 6। आगे दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, कृष्ण सागर जो बांध है कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। आगे दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आगे दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? यूराल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिशप का भागा किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 है, इसका राइट आंसर है 1951 में। आगे क्वेश्चन नंबर 96 है, बृहस्पति और शनि इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, जलोढ़ मिट्टी। 98 का है इनमें से कोई नहीं। 99 का क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका क्या है? सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 101 है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 102 का रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 104 का रहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। 105 का रहेगा 250 ये जो राज्यसभा के सदस्य है उसकी जो संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। क्वेश्चन नंबर 106 है, जो पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 107 है, इसका क्या है? बेलग्रेड। 108 का है दोस्तों आगे क्या है? सरदार सरोवर परियोजना। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 है, इसका राइट आंसर रहेगा 73rd, ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
क्वेश्चन नंबर 110 है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियाँ। आगे दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। आगे हमारा क्वेश्चन है, कौन से शासक का सिल्क मार्ग पर नियंत्रण था? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कुषाण। आगे दोस्तों, निम्नलिखित से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है? राइट आंसर रहेगा लाइमस्टोन, मींस ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, राइट आंसर रहेगा अटांटिका। आगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है 100 जो हमारा 15 है और जो हमारा 116 है, 116 का राइट आंसर रहेगा भुक्ति और जो हमारा 117 है इसका रहेगा मिश्क। यहाँ पे थोड़ी पेज में प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ पे जो हमारा गुप्त साम्राज्य में प्रांतों का नाम किससे जाना जाता था, इसमें आएगा भुक्ति, और वैदिक काल में जो सिक्के है उसको मिश्क कहा जाता था। आगे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी कार्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। उसके अलावा दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984। उसके अलावा दोस्तों, भारत आए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस। तो दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है जो जो मैंने आपको क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं, इनमें से आपके कितने जो आंसर्स है वो सही है। सो दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय मच्छल।